नमस्ते। दिल लल्लन टॉप इस वक्त बिजनौर में है। बिजनौर की लोकसभा सीट वो सीट थी जहां से मायावती पहली बार जीती थी। इस बार यहां का विधानसभा चुनाव भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहां पर दो महिला कैंडिडेट की आपस में सबसे तगड़ी फाइट है। एक हैं इसमें से हमारे साथ सपा से रुचि वीरा। आप 2012 में चौथे नंबर पर रही थी लेकिन फिर 2014 में हुए उपचुनाव में आप जीत के आईं। इस बार आप ऐसा क्या कर रही हैं कि ये सीट आप फिर से बचा सकें? पहली बार आपने सपा के लिए ये सीट जीती थी यहाँ से। देखिए, मुझे 2014 में भी 1,03,000 वोट मिले थे जो कि आज तक बिजनौर जनपद में किसी विधायक को नहीं मिले, और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ जीत होने वाली है क्योंकि मैंने इन सवा दो साल के अपने विधायक के कार्यकाल में लोगों के दिलों में जगह बनाई है। बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए बिना मैंने हर एक के लिए काम करने का काम किया है, चाहे दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर गांव में काम हुए हैं। आप यकीन करें इस बात का कि मैंने हर एक के सुख में दुख में रात आधी रात उनके बीच में हाजिर होने का काम किया है, और रिकॉर्ड तोड़ विकास इस एरिया में हुए हैं जो 20-30-40 साल में भी नहीं हुए। वो विकास कार्य इन सवा दो साल में हुए हैं। मेरी किसी से फाइट नहीं है, कोई दूर दूर तक भी मेरे मुकाबले पे नहीं है, चाहे कोई भी लड़ रहा हो और किसी भी पार्टी का लड़ रहा हो। आपका कार्यकाल आधे से भी कम वक्त का रहा है, आपको उतना वक्त नहीं मिला जितना किसी विधायक को आमतौर पर मिलता है 5 साल। इस कम वक्त में भी आपने ऐसा क्या किया जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हूं, मैं भाईचारे के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हूं, लोगों के हर सुख दुख में शामिल रही हूं, इस बात के लिए चुनाव लड़ रही हूं। यहां पुल बना है गंगा के ऊपर, मालन नदी पे पुल स्वीकृत हो गया है, छोया नदी पे 3 पुल बने हैं। मैंने एक ऐसी सड़क बनाने का काम किया है जो पूरे खादर क्षेत्र में लाइफ लाइन का काम कर रही है। यहाँ बिजली घर बने हैं, यहाँ आज गांव में 18 घंटे और शहर में 22 घंटे लाइट आ रही है। यहाँ के लोग ताउम्र वोट देते रहे लेकिन उन्हें ऐसी लाइट कभी देखने को नहीं मिली। यहाँ मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री ने दिया है। मेरी विधानसभा का जो पूरा किनारा है वो गंगा के ऊपर विधानसभा बसी हुई है, वहाँ हर साल गंगा का कटान होता था, गांव बह जाते थे, लेकिन मैं जब से विधायक बनी हूँ यहाँ ठोकरें लग गई हैं, स्टड्स लग गए हैं और एक भी गांव तब से यहाँ नहीं बहा। तो तमाम मुद्दे हैं, मैं कहाँ तक गिनाऊँ आपको। यहाँ 100 बेड का एक महिलाओं का अस्पताल बना है, एक ऐसे क्षेत्र में इंटर कॉलेज बना है जहाँ 22 किलोमीटर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था, एक मॉडल स्कूल बन रहा है, पानी की टंकियां बन रही हैं, कब्रिस्तान की 4 दीवारियां बन रही हैं, यहाँ शमशान घाट बन रहे हैं। तो यहाँ तो इतने काम हुए जो 50 साल में नहीं हुए, तो यहाँ कोई फाइट में है ही नहीं। पैदा गांव में जो कांड हुआ था कुछ महीने पहले, वहाँ के परिवार को आपका काफ़ी सहयोग मिला, और लेकिन पश्चिमी यूपी में देखा हमने कि बहुत सी सांप्रदायिक घटनाएं हुई। क्या ये नहीं लगता कि अगर शासन प्रशासन ज़्यादा मुस्तैद होता तो ऐसी घटनाएं रुक सकती थी या कम होती? देखिए, इसमें शासन प्रशासन भी मुस्तैद था लेकिन कोई भी हादसा या कोई घटना किसी को बता के नहीं होती है। उन्होंने आज जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, उनके पति ने वहाँ पहुँच कर बेचारे बिल्कुल जो मजदूर कश लोग थे जो ईद मनाने के लिए अपने गांव में आए थे, वहां जाकर बर्बरता पूर्वक गोलियां बरसा दी, 3 लोग मौके पे ख़त्म हो गए, 15 लोग घायल हो गए, एक बूढ़ी औरत अब 1 महीने पहले ख़त्म हो गई उस गोलियां लगने से। तो ये तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम मुजफ्फरनगर बना देंगे इस बिजनौर को, और पूरी शासन प्रशासन ने, हमारे मुख्यमंत्री ने इतनी मुस्तैदी दिखाई कि 3 घंटे में सारी सरकार बिजनौर में आके बैठ गई और यहाँ पूरा जो आग लगाने की कोशिश उन लोगों ने करी थी फिरका परस्तों ने, उस पर मेरे द्वारा भी और मेरे सहयोगियों के द्वारा भी यहाँ पानी छिड़कने का काम किया गया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया, उनकी जो बुरे इरादे थे उनको रोकने का काम किया गया। और अगर इतनी मुस्तैदी ना होती तो इस बिजनौर में ना मालूम क्या होता, ये बिजनौर मुजफ्फरनगर बनता और उनके इरादे पूरे होते। हमने उनके इरादों पे पानी डालने का काम किया है और यहाँ आज गंगा जमनी तहजीब, जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, उसकी बयार बह रही है और यहाँ सब मिलजुल के वोट डालेंगे। यहाँ अब कोई कम्युनल इलेक्शन होने वाला नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम को बांटने वालों की अब हवा खत्म हो चुकी है, यहाँ वो पूरे जड़ से खत्म हो चुके हैं, ये बताना चाहती हूँ मैं।
मैं अभी यहाँ आने से पहले मैं पैदा गांव में ही था, वहाँ के लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन वहाँ अभी कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, क्या ये आपकी जानकारी में है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, उस समय जो भी लोगों के जो लोग खत्म हुए थे, जो दुनिया से चले गए थे, उनको हाथों हाथ 11 घंटे में मुआवजा मिला था। जिन लोगों के गोलियां लगी थी उनको भी हाथों हाथ मुआवजा मिला था 11 घंटे के अंदर, ट्रेजरी खुल के। अब एक दो लोगों का छोटा मोटा कोई मामला रह गया है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री से कोशिश कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है और उनको ज़रूर मुआवजा मिल जाएगा। और तारीफ की बात नहीं है कि पैदा के लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, मैंने उन पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपने फर्ज को पूरा करने की कोशिश की है। कुछ वक्त पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव होने थे और उस टाइम पार्टी किसी और को चाहती थी खड़ा करना, आप अपने पति को खड़ा करना चाहती थी, पार्टी की अलग लाइन से जाकर हटकर काम करना, इसको आप कैसा मानती हैं? देखिए, मैं सिद्धांत के लिए लड़ी थी, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ी थी। 2500 साल के बाद बिजनौर की सीट जनरल हुई थी और जनरल सीट पे भी जनरल व्यक्ति न लड़ सके, ये कहाँ का इंसाफ है? जनरल सीट पे भी एससी लड़ेगा, बीसी सीट पर भी एससी लड़ेगा, तो ऐसा कैसे काम चलेगा? मैं सिद्धांत के लिए लड़ी और चुनाव जीता हमने। लेकिन जनरल पर अगर कोई एससी या ओबीसी या एसटी लड़े तो इसमें क्या खराबी है? खराबी कुछ नहीं है, तो बताइए, जनरल पे जनरल तो नहीं लड़ सकता, एससी पे जनरल इंसान व्यक्ति तो बीसी पे नहीं लड़ सकता, जहाँ जो है उसको हक मिलना चाहिए और हमने लड़ाई लड़ी उसकी और चुनाव जीता, तो इसमें क्या ऐसी बात हो गई? हमारा हक था लड़ने का, इसलिए लड़े। आपका वो दांव सही साबित हुआ, आपके पति को जीत मिली। सपा पर एक जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो परिवारवाद का है, आप भी हैं चुनाव में, आपने अपने पति को भी चुनाव जिताया, ये भी तो एक तरह का परिवारवाद है? नहीं, हम सिद्धांत के लिए लड़ी, में जनरल सीट थी तो जनरल को टिकट मिलना चाहिए था। मैंने कहा अपने नेताओं से कि मेरे अलावा किसी भी जनरल को आप टिकट दे दें, चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन जनरल पे भी एससी को टिकट देंगे तो चुनाव जरूर लड़ूंगी। कोई और लड़ने वाला था नहीं जनरल सीट पे, इसलिए चुनाव लड़ी, अपने क्षेत्र के इलाके, अपने पूरे इलाके के विकास के लिए चुनाव लड़ी। इसमें परिवारवाद की बात क्या है? क्या परिवार में दो लोग सेवा नहीं कर सकते या परिवार में एक ही व्यक्ति सेवा कर सकता है? मेरे पति क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, गाँव में सड़कें बन रही हैं, लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। इस इलाके में मैंने कई कॉलेज देखे जो कि शायद आपके हैं, वो उनके नाम से लगा, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज होंगे, प्राइवेट कॉलेज की फीस अक्सर ज़्यादा होती है, सरकारी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है और वो लोगों तक सुलभ हो सके, इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? मैंने अभी एक इंटर कॉलेज बनाया है, बताया मैंने, उस इलाके में बनाया है जहाँ दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था, और मैंने मोहम्मदपुर देवमल में भी एक स्कूल बन रहा है और प्राइवेट स्कूल भी हैं। मेरे ससुर ने यहाँ के इलाकों के लोगों को, बच्चों को तालीम देने का, शिक्षा देने का काम किया है, आज से नहीं 500 साल से, और चैरिटेबल सोसाइटी चलाते हैं हम, और बहुत सारे स्कूल कॉलेज मेरे गवर्नमेंट एफिलिएटेड भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब पब्लिक स्कूल हैं, एक ही पब्लिक स्कूल है, बाकी सब गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। आजम खान की आप करीबी मानी जाती हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगर सरकार बनती है तो आपको कोई अहम मंत्रालय मिल सकता है? नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री की भी करीबी हूँ, मैं तो अखिलेश यादव की भी करीबी हूँ, मैं मुलायम सिंह यादव जी की भी करीबी हूँ और आजम खान साहब की भी करीबी हूँ। वो ये उन लोगों का फैसला है, मुझे सेवा करनी है। मैं चुनाव हार गई थी 2012 में, जब आप बता रहे हैं कि चुनाव हारी थी मैं, तब भी क्षेत्र की सेवा करती रही, रातों को भी मैं, कहीं बाढ़ आ गई तो भी खड़ी नजर आई, कहीं आग लग गई तो भी खड़ी नजर आई, अब विधायक बन गई हूँ तो भी सेवा कर रही हूँ, अब क्या आगे बनूंगी क्या नहीं वो भगवान जानता है और मेरे नेता जानते हैं। हमारे साथ थी सपा कैंडिडेट रुचि वीरा, मैं अमित रजत के साथ बिजनौर से।